आपका आज की वीडियो स्वागत और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। इसका टाइटल है मोए में मोमेंट्स विद फैमिली टेक अ ब्रेक। भाई मोए मोए बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में मोए मोए एग्जैक्टली कि कौन से फैमिली मोमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग जाएंगे लेकर शो के में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भैया इलास्टिक खराब नहीं होगा ना? नहीं नहीं टिकना चाहिए। हां टिकाऊ चीज इसको आएगा ना? हां आराम से लाइन मार रहे हैं। मैं वापस लेके आऊंगी। कितना हुआ भैया? बस ज्यादा नहीं 500 रुपए। 500 500 आपको पता है राजू का ठेला है ना, वहाँ पे 300 में 6 का 7 मिल रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे आई क्योंकि आपकी दुकान है। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आपको पता है राजू एक बार पहन के देता है, पहन के देता है फिर भी उसकी टिकती है। पता है आपको 3 साल पहले आपसे लेके गई थी, उसमें 6 हो गए, फिर भी मैं इसको पहना रही हूँ। अपनी दुकान है सोचिए। आप एक काम करो, आप ये रखो, कम नहीं कर रहे हो ना भाव। मैं इसको नंगा रखूंगी लेकिन आपके इधर से नहीं पहनाऊंगी। ये चलिए आप पहन लीजिए। नहीं चला था, नहीं रहता। अच्छा चलो मुन्ना, नहीं लेना है हमें। मुन्ना चलो। दूर की माँ है मेरी। बहुत अच्छे हैं ये भी। तो वो दिन अकेले हो घर पे? मम्मी है नहीं घर पे। जिम्मेदारी से घर संभालना। हाँ पापा। और हाँ अभी हमें स्टेशन छोड़ने के बाद सीधा घर पहुँच जाना, यहाँ वहाँ भटकना नहीं। और हाँ फ्रिज में 2 दिन का खाना रखा हुआ है, तो बाहर का खाना, दोस्त या फिर बाहर की हवा, कुछ भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ माँ पता है मुझे। किरण करण कौन है? करण है। किरण तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? घर के बाहर आई हूँ, छुप के बैठी हूँ। जल्दी आओ, अंकल आंटी गए नहीं क्या अभी तक? मोए 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 चलो घर वापस। सॉरी कितने आवाज देने पड़ते हैं बेटा, वो रात को लेट हो गया ना सोने के लिए। ए जी ये अगर मैं दिखी नहीं ना तो मेरे नाम का जाप शुरू हो जाएगा। बहु ज्योति बिट्टू बेटा बहू को कहीं देखा है? बाहर ही कहीं होगी। अच्छा हम देख लेते हैं। शिट मोए 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 मोए। अरे बेटा सुनो, ये ना ड्राई फ्रूट के लड्डू है, बिट्टू को खिलाती रहना। ठीक है भाई, बैग में रख दीजिए। तुम तो बहुत स्मार्ट निकले बेटा, बच्चा हुआ नहीं तब तक शॉपिंग कर ली। हमने तुम्हारे पापा को ये फ्रॉक दिखा के आया था। ये सुनते हो? गोल मार्क्स पानी दे। अच्छा गोल मार्क्स ये क्या? चाय दो ना। लो यही सब देखना बाकी रह गया मुन्ना, इसके लिए नहीं पढ़ा किया तुमको। अच्छे से सुताई करेंगे, शादी करा देंगे, तुम्हारी सीक्रेट पिक्चरें देखने लगे हो। हे भगवान। बेटा मस्ती नहीं ठीक है, ये हमारा घर नहीं है ना। अरे क्या नैना जी, आप बच्चा है, खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, दौड़ना चाहता है, गिरना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। जाओ बेटा खेलो तुम। नहीं नहीं बहुत ज्यादा मस्ती करता है। अरे बच्चे तो आजाद पंछी होते हैं, खुला छोड़िए इसे। जाओ बेटा खेलो जाओ। Oh shit.
मम्मी मम्मी ये देखो आपके पास तो येलो वाला है ना भाई साहब हम लोग कश्मीर गए थे फैमिली ट्रिप के लिए इतनी खूबसूरत जगह है एकदम हैवान है हैवान हैवान अरे जन्नत अच्छा जन्नत इंग्लिश बोल दे समझे जन्नत आपको फोटो देखने हाँ हाँ भाई साहब बेटा अंकल को फोटो दिखाओ बेटा नहीं दिखाओ बेटा मुझे लग रहा कुछ है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है सर जन्नत तो हमने भी देखी है अरे वाह अद्भुत मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई अब मेरी भी क्या बात है भाई साहब वाह और आप भी देखिए अच्छा फोटो खींचा है बेटा नहीं नहीं ये तो जवानी में गुलशन दीजिए भाई साहब पिछले महीने हम भी तो गए थे गोवा ट्रिप में तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए और आपके साथ भी मोए मोए मूवमेंट्स हुए होंगे तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि हमारा एक नया सेगमेंट आया है टेक अ ब्रेक के इंस्टाग्राम चैनल पे जहाँ पे हम आपके कमेंट्स को रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है इस वीडियो पे जाके बहुत सारे कमेंट्स करने अच्छे अच्छे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा भाई मोए मोए में ना सबसे पहला जो इंसिडेंट दिखाया है वो बहुत सारे लड़कों के साथ होता है जब आप शॉपिंग करने जाते हैं बचपन की अगर बात करें ना जब अपनी अम्मा के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो भाई वहाँ पर जाके जो रेट होता है ना उसे जब आधा दाम बताते हैं ना तो एकदम बहुत कम बता दिए बिल्कुल अब जो है मैं खुद कर लेता हूँ क्योंकि वो चीजें भाई फील होती हैं कि भाई नहीं बार्गेनिंग करना जो है ना हमारा वो नेशनल हक है मौजम तुम भी जब बार्गेन कर लोगे ना और जब दुकानदार मान जाएगा फिर तुम भी उसे करना मोए 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 म्यूजिक लगा देता हूँ लेकिन ये कि सिचुएशन जितनी भी दिखाई काफी इंटरेस्टिंग थी मजा आया देखकर मतलब जो सेकंड वाली सिचुएशन थी जहाँ पर पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे और गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है सो मुझे वो वाला बहुत फनी लगता है लाइक उस टाइम पर तो वाकई में ऐसे वाली सिचुएशन है कि भाई अब तो ना बस ये तो एक रियल लाइफ सिचुएशन है ना बहुत सारे लोगों के इस तरह के सीन भी जो ना रियल लाइफ को हो ना नहीं ये तो रियल लाइफ है ना रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के साथ जो ना इस तरह होता है माँ बाप जो है वो जाते हैं और घर में पार्टी एक अलग टाइप जो ना वो शुरू हो जाती है लेकिन ऐसे फोन आ जाना वो थोड़ा फोन भाई अगर आ जाए तो फिर लाजमी बात माँ बाप कहते चलो वापस चलो हम भी देखते हैं क्या होता है आज अच्छा वैसे वीडियो देखते देखते मैं भी सोच रही थी हमारे भी मोए मोए वाला कब आया तो मेरे भी वैसे एक इंसिडेंट आ गया लेकिन मेरे भी एक दफा हुआ था लेकिन वीडियो जो है वो पहले हम लोग देखते मतलब जो सिचुएशंस हम लोगों ने देखे उसके बारे में बात करते हैं मुझे लगता है कि जो जब बचपन में लाइक एक ये बड़ा नॉर्मल होता था कि कभी भी कोई रोमांटिक सीन आ जाता था कोई बड़ा आ जाता था इतना ऑकवर्ड फील होता था आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट सबके साथ ही हुआ भाई मैं जो है इस तरह का था कि एक मूवी थी मैं हेडफोन लगा के सैंड मूवी थी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी मैं वो हेडफोन लगा कर ना देख रहा था तब मैं ऊपर वाले पोर्शन में कमरे में होता था तो मैं दरवाजे वाली साइड में मुंह नहीं था दूसरी साइड में मेरा मुंह था मैं देख रहा था पीछे से आगे पिताजी अडल्ट सीन चल रहा उन्होंने मुझे लागे कहा ज्यादा आग लगी तो शादी कर दे हमारी जिन्होंने देखी वो तो समझ गए कि कौन सा सीन चल रहा था अच्छा वैसे मैंने नहीं देखी मूवी मुझे इसलिए पता नहीं है लेकिन फिर भी पेरेंट्स के सामने किसी भी किस्म का अडल्ट सीन मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आप शर्मिंदगी तो होती है तो अभी जो है ना बीच में सीन देख मुझे वो याद आ गया और फिर उसके बाद जो भाई न्यूली मैरिड कपल्स का बीच में दिखाया गया उसको लेकर तो मुझे तो ये बड़ी हंसी आई सास बोल दी बच्चे की फ्रॉक मैं दिखा के आती हूँ मुझे तो क्या नाम लेते हैं एक और सीन बहुत फनी लगा जो एंड पे जन्नत की बात हो रही थी तो एकदम जन्नत सामने आ गई ओके
तो भाई अगर आपके मोबाइल में जो है ना इस तरह की फोटोज हो तो आप जो है ना ऑकवर्ड फील करते हैं मोबाइल देते हुए अपना किसी को. बहुत सारे लड़कों के मोबाइल में होती है यार, मेरे मोबाइल में नहीं है. लेकिन हम लोगों को आदत भी नहीं है किसी का मोबाइल चेक करने की. बट मेरा मुझे लगता है कि मोई मोई मोमेंट वो वाला था जब मैंने शायद पहले भी बताया कि मूवी देखने जाना था अम्मी के साथ. तो हम लोगों ने जब मैंने और मेरी बहन हम लोग मूवी वैसे पहले ही देखा है और हम लोग बात कर रहे थे और फिर उसके बाद दरवाजा एकदम से खुला और हमारा भी मोए मोए वाली सिचुएशन आ गई. फिर मुझे चला मोए मोए से मुझे तक वो वाला डर की फीलिंग जो है ना मतलब याद आती है कि लाइक जिस तरीके से दरवाजा खुला और मेरी सांस ऐसे रुक गई. मुझे ऐसा लग रहा था मेरी सांस बंद हो जा रही मतलब ऐसे डर के मारे कि ये क्या हो गया. बट खैर कभी ऐसे बुरे टाइम आ जाते हैं. लेकिन हम लोगों ने जितनी भी सिचुएशन इसमें देखी है मैं बोलूंगी बिल्कुल मतलब होता है बहुत सारे लोगों के साथ होती है बिल्कुल ऐसी चीजें. सो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा मजा उन सिचुएशंस का ज्यादा आता है कि जो आप रियल लाइफ में रिलेट कर पाते हो. और जो बच्चों वाली बात है मुझे लगता है कि बच्चों को ना आपको ज्यादा जो अगर किसी घर में जाए ना तो वाकई में ज्यादा इजाजत नहीं देनी चाहिए वरना बच्चे बहुत बड़े बड़े जो है ना कांड कर देते हैं और फिर आपका दिल करता है काश ये बच्चा मुझे कहीं अकेला मिल जाए तो मैं दो लगा के अब बैठो. नहीं वैसे ना मुझे सबसे बुरी चीज होती है बच्चे स्क्रिबल करते हैं वॉल्स पर वो बहुत बुरा वाला होता है. और कुछ बच्चे तो ऐसे लीचड़ होते हैं ना मतलब आते हैं कि वो उनका तो दिल होता है कि घर की चीजें उठाकर अपने घर में. सही बात है. लिटरली मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि लाइक वो क्या करेंगे कि ना टॉयज उठाकर ले जाएंगे आपके. सो मुझे बड़ी अजीब सी वैसे ये चीजें लगती हैं. बट एनीवे ओवरऑल मैं कहूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी मोमेंट्स हम लोगों ने आज देखे. आप अपना मोए मोए मोमेंट जरूर बताना हम लोगों को कमेंट सेक्शन में. अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो ईमेल में बता देना ताकि हम लोग भी पढ़कर एंजॉय करें. और इसी के साथ हमें गुड बाय.